बड़ा इजी हो रहा है, समझाइए बड़े आगे। 18 देखो, सोल्ड टू पार्ले बुक देखो, 100 कॉपीज ऑफ 100 कॉपीज ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी बुक ऑफ 11th स्टैंडर्ड है, 50 पर कॉपी लेस 10% टी। तो पार्ले बुक देखो, पार्ले बुक देखो कितना कॉपीज बेचा, 50, 100 कॉपी बेचा है 50 पर कॉपी, तो 100 × 50 5000 माइनस टीडी ऑफ 10% दैट्स 4500, इज दैट करेक्ट, 4500। मिला ये, समझा सबको? अंडर दिस पार्ट स्ट्रेट था ये, सेल वैल्यू लेस टीडी 10% 4500। देन मूविंग अहेड, रिटर्न टू नवनीत प्रकाशन, 10 कॉपीज ऑफ नवनीत बुक कीपिंग डायरी, वी रिटर्न सो विच बुक, परचेज रिटर्न बुक नवनीत प्रकाशन, कितना है देखो, 10 कॉपीज है ऑफ नवनीत बुक कीपिंग डायरी, कितने का नवनीत बुक कीपिंग डायरी, 20 पे टीडी। इसको सॉल्व करने का तरीका पता है, अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सेल सेल्स रिटर्न एपरेंट सेलिंग प्राइस, परचेज परचेज रिटर्न एपरेंट कॉस्ट प्राइस, व्हाट वाज योर कॉस्ट प्राइस, 4800, दैट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ हाउ मेनी कॉपीज, 300 था, पर कॉपी कितना है, 4800 अपॉन 360 इंटू कितना रिटर्न किया, 10, 160 आएगा ना। रिटर्न तो बहुत सिंपल है, सिंपली ग्रॉस मल्टीप्लाई, टोटल को डिवाइड करो कॉपीज के साथ, तो पर कॉपी प्राइस मिल गया, इंटू नंबर ऑफ कॉपीज कर लो, टोटल अमाउंट मिल गया, कॉमन सेंस, दिस इज हैपनिंग ऑन 22nd, इज दैट राइट, सॉर्टेड ऑल ऑफ यू, पक्का होएगा है। सोल्ड टू पार्ले बुक डेपो 100 कॉपीज ऑफ बुक कीपिंग, बॉट फ्रॉम नव ट्रेडर्स 400 कॉपीज ऑफ 3 टेस्ट पेपर्स इन बुक कीपिंग एट 10 पर कॉपी लेस 10% डीडी। अभी यहां पे स्टूडेंट्स गड़बड़ कर देते हैं, ध्यान से पढ़ो क्या दिया, बॉट फ्रॉम नव ट्रेडर्स 400 कॉपीज ऑफ 3 टेस्ट पेपर्स इन बुक कीपिंग एट 10 पर कॉपी एट 10% टीडी। मुझे सोच के बताओ व्हाट इज द अमाउंट, वही 1080 सोचो, सब लोग सोचो, ये नोट चाहिए मेरे को, नोट कॉपी करना, सोचो, विल यू डू 400 × 10 × 3 और सिंपली 400 × 10, रीड ऑल, विल यू डू 400 × 10 × 3 और सिंपली 400 × 10, ओनली 400 × 10, वाई सो इंपॉर्टेंट, वो एक कॉपी के अंदर देयर आर 3 टेस्ट पेपर एंड 10 रुपीज पर कॉपी नॉट पर पेपर, और ईच भी नहीं दिया, मिला, इट्स 10 पर कॉपी, एक कॉपी में 3 पेपर, एक कॉपी मतलब एक वो सेट है, इसके अंदर 3 पेपर,
वो तीन टेस्ट पेपर का टोटल वैल्यू है 10 रुपया, ऐसे 400 कॉपीज है, तो 400 कॉपीज इनटू 10, दैट कम्स टू हाउ मच, 4000 बराबर है। उसमें क्या सब्ट्रैक्ट करोगे आप, टीडी माइनस करो 10%, सो विच बुक, परचेज बुक नव ट्रेडर्स, बोर्ड पे देखना, 400 इंटू 10 दैट्स 4000 माइनस टीडी 10% 3600, यू अंडरस्टैंड, डोंट डू 400 इंटू 10 इंटू 3 दैट वेन यू आर गोइंग टू डू, अगर प्राइस पर पेपर दिया होगा ना 10 रुपीज पर पेपर, तो इट वुड हैव बीन 400 इंटू 10 इंटू, पर पेपर नहीं है, पर कॉपी, कॉपी डजंट मीन पेपर, कॉपी मीन्स कॉपी, कॉपी मीन्स अ सेट, इट मे बी अ बुक, इट मे बी अ क्लस्टर ऑफ फाइल, 10 पेजेस, 15 पेजेस, 20, 100 पेजेस ऑल्सो, इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू, 10 पर कॉपी, तो 4000 माइनस 10% दैट्स 3600, अंडरस्टूड, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, ये लो, देन invoice to Mulund Book House 200 copies of 3 test papers in bookkeeping at a profit of 100% on cost per copy less 10% fee. Loot rahe dekho. 100% profit on cost and then less TD 10%. So, pehle to sales book kisko bech raha? Mulund Book House. Is the profit on cost or on selling price? Tell me, what is the cost of these papers, of these copies? 3600 was the total cost. What is the per copy cost? 9 rupees. Do you understand how 9 rupees? Yes. 3600 divided by 400. So, idhar ek note bana raha hu, working note 2. This is on 27th. आपका total cost is 3600 divided by 400. So cost per copy is 9. Cost per copy is 9. Got this? Make this note only. Profit लगाना इसके ऊपर, right? Profit भी है, TD भी है. पहले क्या करते हैं? कितना profit? 100% मतलब कितना? डबल, एक का दो 18 दिन का पैसा डबल, 19 दिन, 25 दिन, लक्ष्मी चिटफंड, एड प्रॉफिट 100%, दैट इज व्हाट, 9 रुपीज, खरीदा 9 में बेचा 18 में, बट 18 में बेचा तो सही, लेकिन उसने क्या दिया, उसने टीडी भी दिया, कितना टीडी दिया, 10%, कितना कॉपीज बेचा आपसे, 200, तो 18 into 200 दैट्स 3600 माइनस टीडी ऑफ 10% दैट्स 3 to 4 0, वंस अगेन मुलुंड नहीं मिले, मुलुंड क्वेश्चन है ना सामने, 27 मुलुंड बुक हाउस मिला क्या, मुझे एक बात बताओ, आपका कॉस्ट पर कॉपी कितना था, 9 रुपीज, कैसे मिला, 3600 डिवाइड बाय 400, या फिर 10 रुपीज में 10% डीडी माइनस करो तो भी मिल जाएगा 9 रुपीज, पढ़े 9 रुपए का था, बेचा कितने में, 18 में, 18 पे क्या अलाउ किया आपने, टीडी, तो टीडी माइनस करके और 3 to 4, दिस इज ऑन 27, इज दिस क्लियर, हेलो, समझा कि ना, पक्का, देन रीड फॉर द मुलुंड बुक हाउस रिटर्न 5 defective copies ऑफ 3 test papers इन बुक, तो सेल्स रिटर्न में मुलुंड बुक हाउस
उसने रिटर्न किया है ना, तो फाइव डिफेक्टिव कॉपीज ऑफ थ्री टेस्ट, वो तीन टेस्ट पेपर का ही सेट घूम रहा है सबसे, वो पांच कॉपी रिटर्न में आ गई। तो ये बड़ा ही सिंपल है, आपने बेचा क्या प्राइस पे था, 3240 में कितने कॉपीज बेचे थे, 3240 डिवाइड बाय 200 करो तो पर कॉपी मिलेगा 5 कर दू 81 आ गया ना, स्ट्रेट आंसर आ गया आपको, है ना, समझा कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई, सेलिंग प्राइस वॉज 3240 फॉर 200 कॉपी, तो पांच कॉपी का कितना, 3240 200 का था ना, तो पांच का कितना, अपॉन 200 करो तो पर कॉपी 25 करो। अच्छा आगे बढ़ो, रिटर्न टू नाउ ट्रेडर्स फाइव डिफेक्टिव कॉपीज ऑफ थ्री टेस्ट पेपर इन बुक कीपिंग, हमने अभी रिटर्न किया नाउ ट्रेडर्स, तो विच बुक, परचेज रिटर्न बुक नाउ ट्रेडर्स, टेल मी द टोटल प्राइस, 45 नाउ ट्रेडर्स वाला कितना था, 3600 था, ये कितने कॉपीज का था, 400, हमने कितने रिटर्न किए, 36 अपॉन 9 इंटू 5 3600 अपॉन 400 इंटू 9 इंटू 5 40 9 इंटू 5 40 और ये एनएम के पेपर में आ गया था सब, सेमिस्टर 2019 हमारी बैंक का पेपर, दिशा का सेमिस्टर पे। Is this clear? तेरे भाई का भी सेम डायलेम मिटे भाई रहेगा तो देख रहा हूँ सेमेस्टर, मैं भी कर रहा हूँ सौरभ, तो समझ आए ये क्वेश्चंस, कैलकुलेशन से बाकी ट्रांजैक्शंस है सिंपल, मेन पर यूनिट लेना था, ग्रॉस लेना कि नेट, नेट इसके लिए हमने सब बारी बारी लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके रिटर्न किया, ग्रॉस हो गया तो डीडी माइनस करना बराबर, टोटल करो 900 2 5 3 46 इज इट क्लियर, हेलो बिला घर पे वापस एक बार सॉल्व करना खुद से, ये सब मोस्ट डिफिकल्ट सब, और सब्सिडरी बुक आई वांट यू टू ट्राई नाउ, सम नंबर 2 ऑन योर ओन, पेज 42 पेज 42 सम नंबर 2 खुद से ट्राई करो, पेज 42 सम नंबर 2 कम ऑन ट्राई, क्या करो बराबर, बस ये लास्ट सब नहीं, आज 3 सब और करो फटाफट करो, So guys, what is credit memo? What is
credit memo. Credit memo is nothing but invoice, right? Bill. So sent a credit memo is sales. And received a credit memo is purchase. Credit memo and credit note are two different things, huh? Keep that in mind. I am
और जो बोलते हैं जो अगर ड्राइवर को मैं तो बहुत जल्दी आने को हो गया सर। एडिट मांगो मतलब इनवॉइस बिल 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 आया मतलब परचेज बिल आया मतलब से रिसीव्ड क्रेडिट गोल सेंट अ डेबिट Thank you.